मतलब सड़क, बिजली और पानी तीनों की तीनों सुविधाएं यहाँ अगर आपको मिले तो एक अच्छा फार्म हाउस आप डेवलप कर सकते हो एज ए रोड के ऊपर। ये रोड के ऊपर का फार्म है। तो दोस्तों आज की ये प्रॉपर्टी हम लेके आ रहे हैं हिसार से। ये देखिए आगे बरवाड़ा चुंगी, बरवाड़ा चुंगी से सिर्फ मात्र 4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आप देख रहे हो, ये हम चल दिए हैं यहाँ से बरवाड़ा रोड पे और ये फार्म वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये साथ में आ गया पुलिस लाइन और इसे जैसे ही हम सीधा चलेंगे तो पूरा ये हम उस लैंड के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने वीडियो आपको बना के दिया और इससे यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे वो एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास आ जाती है, यानी कि डियर पार्क और विजन कॉलेज जैसे ही पार करेंगे तो कोई भी गांव आने से पहले, यानी धासू गांव ये सबसे पहला गांव आता, उस गांव के आने से पहले ये लैंड शुरू हो जाती है। तो आप पूरा वीडियो मेरे साथ देखिएगा, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा और उसमें आप अंत तक बने रहिए कि कितनी प्रॉपर्टी है, ये कितना एग्रीकल्चर लैंड है, कितना लंबा चौड़ा एरिया और क्या रेट्स में हमें मिल सकता है इसके लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रॉपर्टी गुरु। दोस्तों आज ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है और इस वीडियो में मैं आज फिर एक नई प्रॉपर्टी आपके सामने लेके आया हूँ और वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड। ये आप देख रहे हो मेरे पीछे रोड, इस रोड के ऊपर आप देख सकते हो कि कितना बिजी रोड है। ये हिसार के बिल्कुल टच में है ये प्रॉपर्टी और इस रोड के ऊपर की मैं आपको प्लॉट्स दिखाऊंगा। प्लॉट्स यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर ये हमारे पास में सेल आउट के लिए तैयार है। और पीछे जैसा आप देख सकते हो ये पूरे दोनों तरफ में इसमें इस रोड के इस साइड और इस साइड दोनों तरफ में एग्रीकल्चर लैंड है। और जैसे ही हम शहर से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले कोई भी गांव आने से पहले क्या ये हमारे पास में ये वाली लैंड आ जाती है। तो इसको मैं पूरा का पूरा ब्रीफ करूंगा, आप मेरे साथ में देखते रहिए, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों तो अभी मैं आपको इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स बताऊंगा जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा था। तो ये आप जो मेरे पीछे देख सकते हो ये इस रोड से, ये रोड हिसार से जैसे ही हम पार करेंगे, यानी कि हिसार से बरवाला रोड, बरवाला रोड से जैसे ही हम एंटर करें बरवाला चुंगी से चले और विद इन 3 किलोमीटर के ऊपर, यानी कि बरवाला की तरफ नहीं धासू की तरफ, ठीक है, बरवाला चुंगी से आप पूरा वीडियो देखना मेरा और ध्यान से सुनना हर बात। बरवाला रोड से, बरवाला चुंगी से हम निकले और धासू रोड की तरफ चले, ये आगे मेरे इस साइड में सामने आ जाता है धासू गांव। इस गांव में एंटर होने से पहले ही ये इस रोड से कनेक्टेड, इस रोड के जो टच में एडजेसेंट जो ये वाला किला है, एक किला ये इसके पीछे, और ये टोटल यहाँ 26 किले की लेंथ है, यानी कि 26 किले का पूरा प्लॉट ये सेल आउट के लिए तैयार है। तो बहुत बड़ा है और रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, नीचे का पानी है, मीठा पानी है, नहर का पानी है, मात्र 3 किलोमीटर दूर इन। रोड के सीधा ऊपर जो टच में ये वाला आप देख रहे हो ना, ये 1 एकड़ ये आ गया और 1 एकड़ का फ्रंट रहेगा इस रोड के ऊपर, देन उसके पीछे 26 किले की इसकी लेंथ। टोटल हमारे पास में 26 किले ज़मीन ये सेल आउट के लिए तैयार है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या आप इस प्रॉपर्टी थोड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको पूरी की पूरी इस यहाँ विज़िट करवाऊँगा और आपको दिखाएंगे कि क्या यहाँ के बेनिफिट्स हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, पीछे यहाँ कॉलेज भी बना हुआ है रोड के ऊपर, जो रोड के ऊपर की ज़मीन है इसको एज अ कॉलेज या एज अ
डियर पार्क वगैरह इसके ऊपर ही बना हुआ है। तो इस डियर पार्क से जैसे हम पार करते हैं तो इसको ही, और बहुत अच्छा कॉमर्शियल यूटिलाइज यहाँ मेरे हिसाब से इसको कर सकते हैं। देखिए वो आपके अपने तरीके हैं, आपके पास में, आप बहुत समझदार हैं और आपको सब पता है कि यहाँ किस टाइप से आप इसको अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो और एज ए इसका बढ़िया मुनाफा यहाँ से कमा सकते हो। तो एज ए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी बहुत बढ़िया लोकेशन रहेगी। और अगर आपके पास में पहले कहीं और ज़मीन सेल आउट की है या कहीं आपकी प्रॉपर्टी में अच्छे रेट्स वहाँ लग रहे हैं तो उसकी अपेक्षा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 26 एकड़ पूरा का पूरा खरीदना पड़ेगा यहाँ। ये नहीं है कि भाई एक एक एकड़ की ज़मीन हम यहाँ इस लोकेलिटी में नहीं बेचेंगे, इस उसके ऊपर सेल आउट के लिए नहीं। ये पूरा 26 एकड़ का लंबा आपने को सारा का सारा बता दिया, इसकी ब्रीफिंग कर दी है। ड्रोन के माध्यम से आप इसका व्यू देख सकते हो और ये अभी आपके सामने चलेगा। और दूसरी late summer, usually early August, the मैं बता देता हूँ कि सड़क की कनेक्टिविटी, बिजली की आप देख सकते हो मेरे ऊपर, ये बिजली का इसकी इलेक्ट्रिसिटी गई है। और पानी का मैंने आपको बता दिया, अंडरग्राउंड वाटर बहुत अच्छा है, नहर का पानी बहुत बढ़िया है। और रेट्स और सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बताऊँगा इसके क्या रेट्स हैं, क्या प्राइजेज हैं, बाकी सारा का सारा ऑन टेबल के ऊपर बातचीत होती है। तो ये थी आज की हमारी सुपर डुपर बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर लैंड के बेसिस के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर एक नए वीडियो के साथ हम पेश होंगे।